नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौकरी क्रंच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यूजी प्रोग्राम में या इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेने का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं किस किस कोर्सेज में आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं यूजी प्रोग्राम में, और कब तक आपके फॉर्म जो है शुरू होने वाले हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो पर बने रहें। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फॉर्म जो है कब शुरू होने वाले हैं यूजी प्रोग्राम के लिए। मैंने सिर्फ फिलहाल यूजी प्रोग्राम के लिए ये बनाया है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि यूजी प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड कोर्सेज के फॉर्म कब तक शुरू होने वाले हैं, तो कब तक आप अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, आपको हमारी जो नौकरी क्रंच की वेबसाइट है उस पर जाना है। उसमें जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो इस सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं IIIHSKUK एडमिशन फॉर यूजी एंड इंटीग्रेटेड कोर्सेज एडमिशन स्टार्टेड सून। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया लिंक ओपन होके आ जाएगा। अभी जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यूजी प्रोग्राम के फॉर्म फिलहाल स्टार्ट नहीं हुए हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कब शुरू होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कोर्स कौन कौन से ऑफर करता है यूजी प्रोग्राम के अंदर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो यूजी प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन होते हैं वो जून या जुलाई में होते हैं। जून जुलाई में एडमिशन होते हैं और अभी इसके फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कब तक आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। ये जो है इसमें आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे MSc 5 ईयर इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स ऑनर्स, MSc 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी, MSc 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग फिजिक्स, और BA BCom BSc कोर्सेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, जैसे BSc नॉन मेडिकल और मेडिकल, BSc होम साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, BSc और BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं, BA में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, फिलोसफी, म्यूजिक, BA ऑनर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद सेल्फ फाइनेंसिस कोर्सेज जो हैं BCA BTM, इन कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सेल्फ फाइनेंसिस कोर्सेज हैं ये, जैसे BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BTM बिजनेस टूरिज्म मैनेजमेंट। इसमें आप लोगों के पास जो है आपके पास एक रिलीवेंट सब्जेक्ट के साथ 12th पास होने चाहिए, तभी आप लोग इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आप अगर BSc मेडिकल नॉन मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास जो है 12th क्लास में कॉमर्स होनी चाहिए, सॉरी नॉन मेडिकल या मेडिकल होनी चाहिए। या फिर आप लोग BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर ऑफ कॉमर्स का, यानी कि 12th क्लास आपकी जो है कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, और उस BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो BA आर्ट के साथ आपकी होनी चाहिए। सेम ही MSc के लिए है। अगर आप लोग रिलीवेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 12th क्लास में रिलीवेंट सब्जेक्ट होने चाहिए। अभी आप लोगों को बता देता हूँ, जो पिछले साल के हिसाब से जो फीस लगी थी एप्लीकेंट की एप्लीकेशन की, वो थी ₹400 जनरल के लिए और ₹100 SC BC डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट के लिए जो है फीस लगी थी फॉर्म फिल करने की। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, जो मैंने अपने वेबसाइट पे जो है कटिंग डाली हुई है, इस लिंक का मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियो का लिंक दे दूंगा। वहां से जाकर के आप डायरेक्टली इसको रीड भी कर सकते हैं, और जब भी फॉर्म शुरू होंगे तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिंक लगा के दे दूंगा, जैसे ही शुरू होंगे आप लोग यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो, ग्रेजुएशन यानी यूजी कोर्सेज में आप 1 से 20 जुलाई तक, यानी 1 जुलाई से 20 जुलाई तक जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेब पीजी कोर्सेज के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड बना के आप लोगों को बताऊंगा, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। पीजी कोर्सेज यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में आप 10 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में एडमिशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूरी डिटेल जो है जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं यहाँ पे
अपलोड कर दूंगा। ये जो एडमिशन होते हैं आपके मेरिट लिस्ट के बेसिस पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं या जो ये लिंक है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने रेडी कर लीजिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप रेडी कर लीजिए। और दोस्तों जब भी फॉर्म शुरू होगा तो आपने मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जब भी फॉर्म शुरू हो गए मैं आप लोगों को अप्लाई करने का भी प्रोसेस बताऊंगा, कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को जब भी फॉर्म शुरू होंगे तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी जानकारी हम लोग अपने चैनल पर अपलोड करेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।